खुदावन मसीह यसू में मेरे अजीजों, मैं खुदावन मसीह यसू के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। आज की इबादत में आपको वेलकम कहता हूं। अजीजों, आप हमेशा मेरी दुआ में हैं। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप ने एक और मौका इनायत फरमाया कि हम उसके पाक कदमों पर बैठकर उसके जिंदा और मुबारक कलाम पर मेडिटेशन कर सकते हैं, उसको महिमा मिले। आज जो कलाम का हिस्सा है, भजन संहिता की पुस्तक और 25 अध्याय 1-3 पद, साम 25 वर्स 1-3, आप अपनी बाइबल में देखें, मैं पढ़ रहा हूं। अय खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। अय मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतजिर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो ना हक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने आप को तैयार करें, दुआ करें। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बच्चे तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, और प्रभु जिस वचन के द्वारा तेरी पवित्र और मीठी वाणी सुनने के लिए तैयार हैं, हम सबको पाक रूह का मसा अता फरमा कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर तेरे कलाम को समझें। होने दे प्रभु, वचन रूपी बीज जब हमारे दिल की जमीन पर गिरता है, हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, बहुत सा फल लाए। परमपिता महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदावंद, तो अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा हमारे चारों तरफ बांधना के शैतान किसी भी तरह से हमें दखल ना दे सके। हर तरह से अपने आप को तेरे अधीन करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हमसे बात कर, सारी बातों में अपने आप को तुझे सौंप कर हम ये दुआ तेरे प्यारे और इकलौते बेटे अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। तो एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और भजन संहिता 25 साम 25 इसकी पहली 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और दाऊद यहां पर खुदा से बात कर रहा है, और पहले पद में कहता है कि अय खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। हे परमेश्वर, मैं अपना मन तेरी तरफ उठाता हूं, हिंदी वर्जन में है। यहां पे जान है वहां मन है, एक ही चीज है। दाऊद दुआ कर रहा है और अपनी जान कह रहा है कि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं, और इसकी दुआ का जो कंटेंट है वो भी यहां पे लिखा हुआ है, और वो अपनी जान उठाकर दुआ करता है और फिर कहता है कि अय मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, तुझ पर भरोसा किया है, तेरी प्रतीति की है मैंने। किस बात पर प्रतीति की है उसने, आगे लिखा है मुझे शर्मिंदा ना होने दे, और फिर दूसरे पद के आखिरी हिस्से में है दाऊद कहता है कि मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, मेरे दुश्मन मुझ पर जय जयकार ना करें, मेरी बर्बादी को देखकर मेरा दुश्मन खुश ना हो, मेरी पस्थाली को देखकर, मेरे दुख को देखकर, मेरे गम मेरी मुसीबत परेशानी को देखकर मेरे दुश्मन खुश ना हो, यह कंटेंट है दुआ का। और इसलिए वो खुदा से दुआ कर रहा है, और दुआ कर रहा है तो कैसे कर रहा है, वो कहता है कि मैं अपने मन को तेरी तरफ उठाता हूं। उर्दू में था आय खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। सही दुआ का सही तरीका है, अमूमन हम हाथ उठाते हैं, है अच्छी बात है हाथ उठाना, पर होता यह कि हाथ उठ जाते हैं हमारे, लेकिन जो खुदावन के साथ हमारी जो मोहब्बत हमारा जो रिश्ता है वो हाथ के साथ रह जाता है, और वो रिश्ता यहां से चलकर यहां तक नहीं आता। एक ही बालिश का अंतर है ना, यहां तक नहीं आता। दाऊद यहां तक लेकर आया है उस रिश्ते को, कहता खुदा अय खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। तो अजीजों, हम जब दुआ करें तो हाथ भी उठाएं और दिल को भी उठाएं, अपना मन भी उठाएं, अपनी जान भी उठाएं। और दाऊद का कंटेंट यह है कि मेरे दुश्मन मुझ पर खुश ना हो,
और आगे तीसरे पद में लिखा है कि बल्कि जितने तेरे मुंतजिर हैं यानी जो तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। दाऊद अपनी बात करते करते सबको ये एक अच्छी बात बताना चाहता है, सबके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि जितने पिता परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। पर हम दाऊद के कंटेंट की तरफ थोड़ी देर के लिए ध्यान रखेंगे, वहीं से फिर आगे चलेंगे कि दाऊद जो है वो ये चाहता है कि उसके दुख पर, उसकी परेशानी पर, उसकी तकलीफ पर, उसकी टेंशन पर, जो भी उसका कष्ट है जीवन का। और अभी तो अगर कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो यही था कि उसके कुछ लोग दुश्मन थे, वो उन दुश्मनों से चाहता है महफूज रहना, इसलिए वो खुदा से दुआ कर रहा है। लेकिन उस बात का जो सारांश है लब्बे लुबाब यह है कि वो अपने शत्रुओं से सुरक्षित भी रहना चाहता है और वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी बर्बादी देखकर, दाऊद का बुरा हाल देखकर जो उसके शत्रु हैं वो खुश हो जाए। मेरे अजीजों, ये एक इंसान की कैफियत है, हर इंसान ये नेचर है। हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई हमारा शत्रु हमारी हंसी उड़ाए, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा दुश्मन हमें बर्बादी में देखकर खुश हो, आनंदित हो, कोई भी नहीं चाहता। हम इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, संघर्ष में घिरे हुए हम, या चारों तरफ कोई विपत्ति है, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, बीमारी है, हर बहुत कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है लाइफ में मेरे अजीजों, कुछ भी ऐसा जो हमें पसंद नहीं। लेकिन हमारे दुश्मन को पसंद है, जो हमें पसंद नहीं वो हमारे दुश्मन को पसंद है, यही तो तरीका होगा ना। और जब कोई नेगेटिविटी हमारे पास आएगी, कोई मिस हैपनिंग हमारे पास आएगी, कोई दुख तकलीफ परेशानी बीमारी ये हमारे पास आएगी, दुश्मन खुश होगा हमारा। और दाऊद ये नहीं चाहता कि उसके शत्रु उस पर जय जयकार करें, उसके दुश्मन उस पर शादियाना बजाएं, यानी उसको देखकर खुश हो, उसकी बर्बादी को देखकर खुश हो, कहने का मतलब। और ये कैफियत, ये दिल की हालत या ये सोच, ये थॉट, ये ख्याल, ये हर इंसान के अंदर होते हैं मेरे अजीज। प्रिय जानो, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में। अब दाऊद की जगह हम अपने आप को रखकर देखें, अगर हम होते और जैसे दाऊद परेशान हाल है, अभी वजह हमें मालूम नहीं करनी है, परेशानी की कुछ भी वजह हो सकती है। और सच्चाई तो यह है कि आज के दौर में, आज के युग में, आज की परिस्थिति में हर एक इंसान किसी ना किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से परेशान है, साहब है। सबके पास कोई ना कोई फिक्र है, सबके पास कोई ना कोई टेंशन है, चिंता है। हर शख्स, किसी शायर का शेर है, हर शख्स असीरे गम अफकार लगे है, इस दौर में जीना बड़ा दुश्वार लगे है। हर शख्स असीरे गम अफकार यानी फिक्रों में और गमों में हर शख्स जो है वो असीर है, वो बंदी है, डिप्रेशन में जी रहा है। तो इस दौर में जीना बड़ा दुश्वार, बहुत दुश्वार है। जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज हैं, आसपास की कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें जो हम पे असर करती हैं। अच्छा, हमारे पास कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है ये माना हमने, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोग होने के नाते, कम से कम जो हम आसपास ये देख रहे हैं, गलत बातें, गलत घटनाएं, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर, दिल दुखता है हमारा ना, क्यों दुखता है दिल? तो हमारा तो वहां से कोई सरोकार नहीं, लेकिन है, क्योंकि हम इंसान हैं और वो भी इंसान है, वो हमारे अपने हैं, और सबको जीने का हक है भाई, सबको जीने का हक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास चिंता है, परेशानी है, टेंशन है, अच्छा नहीं लगता। और जब हमको अच्छा नहीं लगता, जब हम परेशान हैं, बर्बाद हैं, चिंतित हैं, तो हमारा दुश्मन प्रसन्न होगा और यह हमें पसंद नहीं। तो फिर क्या करें इसके लिए? इसके लिए वही करें जो दाऊद कर रहा है। कहता है, खुदावंद मैं अपनी जान, हे परमेश्वर मैं अपना मन तेरी तरफ उठाता हूं। दिल की गहराई के साथ दुआ कर रहा है वो,
हम दुआ तो करते हैं पर कई बार दिल की गहराई से नहीं करते, आत्मा की सच्चाई से नहीं करते, मन को उठाकर नहीं करते, अपनी जान को उठाकर नहीं करते। यही दाऊद भजन संहिता 27:14 में कहता है, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां यहोवा ही की बाट जो, खुदा का इंतजार, ये पूरी तरह अपने परमेश्वर पर डिपेंड करता है। साहब हम क्या करते हैं, कई बार खुदा के पास जरूर जाते हैं, अपनी दुआ उसके कदमों पर रखते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो दुनियावी रिसोर्सेज है ना, जरिए वसीले जो है, संसाधन जो है, हम वहां चले जाते हैं खुदा पे भरोसा नहीं करके। बहुत जल्दी हम संसारिक बातों की तरफ अपने आप को ले जाते हैं प्रियजन। लेकिन यहां पे दाऊद भजन संहिता 27:14 में कहता है, यहोवा की बाट जोहता रहे। और दाऊद का तजुर्बा यह है कि इसने खुदावंत पर भरोसा किया और खुदावंत ने इसको हर दुख तकलीफ परेशानी से, हर गम से आजाद किया। मेरे अजीजों, आजाद किया, कोई ना कोई तकलीफ परेशानी जैसा मैंने बताया सबकी जिंदगी में है। हम उस गहराई में नहीं जाएंगे, है तो है और होगी क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं। पौलुस ने एक तरीका बताया है और पौलुस कुछ लिख रहा है अपने शिष्य थिमुथियुस को लिख रहा है पौलुस, और क्या लिख रहा है अपन देखते हैं। ये पौलुस की बात, दूसरा थिमुथियुस मैंने निकाला, 4:16-17 पद आप अपनी बाइबल में देखें। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। 17 पद सुनिएगा, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। सबने छोड़ दिया साहब, सब छोड़ देंगे मुसीबत के वक्त। और हम देखकर आए 20 और 21 के अंदर, हमने देख लिया कि कैसे हमारे अपने अजीज 2-2 मीटर 2-2 गज हमसे दूर खड़े होकर बात करते थे, जो लिपट लिपट के बात करते थे ना कोरोना वक्त में, वही 2-2 गज दूर हो गए, उससे भी ज्यादा दूर हो गए। सबने साथ छोड़ दिया। वो अपनी व्यथा बता रहा है पौलुस कि सबने मेरे, जब मेरा प्रतिवाद हुआ, जब डिबेट हुई, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने। लेकिन 17वें पद में क्या कहता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें। मैं सिंह के मुंह से भी बचाया गया, खुदा उसके साथ रहा। हमें इस एक्सपीरियंस के साथ इस दुनिया में, इस परिस्थिति में जिंदगी को बसर करना है कि खुदा मेरे साथ रहा। हम सिर्फ अल्फाज में खुदा को साथ रखते हैं, शब्दों में, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या परमेश्वर साथ है हमारे, ये हमको मालूम कर लेना चाहिए, ये मालूम कर लेना चाहिए। और अगर खुदा साथ में है फिर तो कोई दुख तकलीफ परेशानी है ही नहीं साहब, कुछ भी नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं है अगर खुदा साथ में है तो। लेकिन मैं बता रहा था कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी ऐसी परिस्थिति के जिसमें हम कोई फैसला ना कर पाए, जब ऐसी बातें हमारी जिंदगी में आती हैं, कोई जिम्मेदारी है, लाइब्रेरी है, कोई फैमिली की है, सर्विस की है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अगर खुदा साथ है तो फिर ये नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। शर्त ये है खुदा साथ हो। एक इलस्ट्रेशन बाइबल में से आपके साथ शेयर करूंगा, और शायद पहले भी मैंने इसको शेयर किया लेकिन रिलेवेंट है तो लेकर आया हूं। और ये इलस्ट्रेशन इसलिए लाया हूं कि बाहर का इलस्ट्रेशन झूठा गलत हो सकता है लेकिन बाइबल की कोई बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए मैं बाइबल में से ही सारी बातें करता हूं। मेरे प्रियजन, उत्पत्ति की किताब मैंने खोल ली है, 20 अध्याय निकाल लिया है मैंने, और बड़ा संक्षिप्त सा बताकर
मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कोई गम नहीं, कोई दुख तकलीफ पर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है, फिर कोई दुश्मन हम पर हंसेगा नहीं साहब, फिर कोई दुश्मन हम पर जय जयकार नहीं कर सकता जी। अब्राहम है अपनी पत्नी सारा के साथ करार नामक स्थान पर आया है, और वहां का राजा जो है वो अबीमेलेक है, और अब्राहम उस वक्त के कल्चर को जानता है, उस वक्त के लोगों को जानता है और सब कुछ जानता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू बहुत सुंदर है तो यहाँ का राजा तुझको मेरे से ले लेगा अपनी पत्नी बनाने के लिए, और जब उसको पता चलेगा कि मैं तेरा शौहर हूं और तू मेरी पत्नी है तो वो क्या करेगा कि मुझे मार देगा और तुझे अपनी रानी बना लेगा। तो मुझ पर दया कर, और जब वो पूछे तू कौन है तो तू कहना मैं इसकी बहन हूं। और ऐसा ही हुआ, और राजा ने सारा को अब्राहम की बहन समझकर अपने महल में बुला लिया, अपनी रानी करके रख लिया उसको। अब्राहम खामोश है, सारा भी खामोश है, सवालिया जान का है, मुंह खोलते हैं जान जाती है साहब। हालात से समझौता हो गया, लेकिन खुदा के लोगों को खुदा नहीं छोड़ता साहब। हम चुप हो सकते हैं, हमारा परमेश्वर चुप नहीं हो सकता। जिसकी पत्नी महल में चली गई, अभी मेलेक राजा के पास चली गई है, अब्राहम अपने डेरे में अकेला है, जहां भी रहता है वो अकेला है, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को दे दिया उसने। अब जो उसको गुजर रही है वो गुजर रही होगी, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको जी। अब मैं उत्पत्ति 20:3 पद पहले पढ़ रहा हूं। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अभी मेलेक के पास आकर कहा, खुदा राजा के ख्वाब में आया है। क्या कहा? सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है, वो सुहागिन है। खुदा इंटरफेयर कर रहा है साहब। अगर आपके साथ आपका खुदा है, आपका परमेश्वर है, वो आपको छोड़ेगा नहीं किसी मुसीबत में, किसी दुख में, किसी संकट में, किसी टेंशन में, किसी डिप्रेशन में, किसी भी डिस्ट्रेस में आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बाप, और बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चे का ध्यान रखना साहब। आ गया यहां पर खुदा, सामने आ गया अभी मेलेक के, सपन में देख रहा है अभी मेलेक की हालत खराब हो गई। और जब उसने बताया ना खुदा ने कि तूने जिस औरत को रख लिया है ना, ये सुहागिन है, तू सुहागिन से शादी नहीं कर सकता। राजा खाप गया, डर गया साहब। और राजा क्या कहता है 4 पद में कहता है, अभी मेलेक, यहां पे लिखा है कि वो उसके पास नहीं गया था क्योंकि खुदा बाप ने उसको रोका था। तो अभी मेलेक कहता है, उसने कहा हे प्रभु, चौथा पद चल रहा है उत्पत्ति बीच, हे प्रभु क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा, क्योंकि मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, मैंने उससे पूछा था, उसने कहा मेरी बहन है, मैंने उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उसको मैंने अपने महल में बुला लिया, मैंने गलत काम नहीं किया, झूठ तो वो बोला, खुदा ने कहा मुझे मालूम है और इसलिए मैंने तुझे मारा नहीं, वरना मेरे लोगों को छूने के बाद अभी मेले क्या तू बच सकता है जिंदा। खुदा के लोगों को छूकर क्या कोई जिंदा बच सकता है? शर्त यह है कि वो लोग खुदा के हो। मेरी बात आपको गौर से सुनिए, शर्त यह है कि वो लोग खुदा के हो। शर्त यह है कि ये पास्टर खुदा का पास्टर हो। शर्त यह है कि FW Phillips परमेश्वर का जन होना चाहिए। खुदा कोई नुकसान नहीं होने देगा, कोई नुकसान नहीं होने देगा। आ गया यहां पे बाप ने राजा को रोक दिया, और सुबह उठ के राजा ने भैया वापस दे दी उसकी पत्नी, भाई तूने ऐसा क्यों किया, मैं मर जाता, और बहुत कुछ हुआ है वहां पे, मैं अब इतनी बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राजा ने उसकी पत्नी भी वापस कर दी और उसको बहुत सारी गिफ्ट भी दे दी उसको खुश करने के लिए। ये हुआ सा, पर बात यह थी, पौलुस जो लिख रहा था, मैं उस बात को यहां पर प्रमाणित करना चाह रहा था, जब वो कहता है किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। 2 Timothy 4:16-17 हम पढ़ रहे थे ना, कहता है सबने मेरा साथ छोड़ दिया, और 17 पद में कहता है लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। अगर खुदा साथ है लोग गवाही देंगे। अब देखिए अभी मेले गवाही दे रहा साहब, अब राम ये सुनिएगा, Utpatti 21:22 में पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अभिमेलेक अपने सेनापति
पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। गवाही है सर, देख लिया ना अभी मैं देखने, जैसे सारा को ले गया महल में, रात में ख्वाब में खुदा बाप आ गए कि तूने जो काम किया है अबे मर जाएगा और बेमौत मरेगा। उसने कहा प्रभु मैंने गुनाह तो नहीं किया। खुदा ने कहा ठीक है, तभी तो अभी तक जिंदा है, मुझसे बात कर रहा है। हम तभी तक जिंदा है जब तक खुदा हमें बख्श रहा है, हम तभी तक शर्मन सुन रहे हैं जब तक खुदा हमें बख्श रहा है, हम तभी तक मैं तभी तक शर्मन दे सकता हूं जब तक परमेश्वर मुझे बख्श रहा है। मेरे अजीजों, राजा बख्शा गया है, क्योंकि खुदा को मालूम है राजा ही वॉज नॉट रॉन्ग पर्सन, गलत नहीं किया, हो गया कुछ ऐसा ना। अपन बात समझ में आ गई, और आप इस चैप्टर को उत्पत्ति 20 को पूरा पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, आप पढ़ना इसको। खैर मैं गवाही की बात कर रहा था, तो राजा कहता है कि जो तू काम जो भी काम करता है भाई परमेश्वर तेरे साथ रहता है, अपन तो संधि बांध लें, एग्रीमेंट करें भाई, तू मेरा मित्र मैं तेरा मित्र, और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और मुश्किल के वक्त एक दूसरे का साथ देंगे। मेरे अजीजों, क्या 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 परमेश्वर हमारे साथ है? सवाल है ये। दुख मुसीबत इनकी चिंता मत करिए, ये तो सब चलता रहेगा, और इनका आना बहुत अच्छा भी है, मुबारकबाद है, और अच्छी बात है, अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। और पौलुस की मैं बात आपको बहुत पहले बता चुका हूं, पौलुस कहता है कि जहां जहां मैं निर्बल होता हूं वहीं वहीं प्रभु की सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करती है, कि जहां मैं कमजोर होता हूं वहीं जोरावर होता हूं। क्यों? क्योंकि उसको यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में काम करती है। जी मैं एक आयत और पढ़ना चाहूंगा, और इसको भी पौलुस ने कहा, रोमियो की पत्री मैंने निकाली 8:31 में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा क्या कहता है पौलुस, चैलेंज। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? क्या खुदा हमारे साथ है? प्रश्न आ गया है। अगर हमारे साथ है तो वी आर ब्लेस्ड, हम बहुत आशीषित हैं, मुबारक हैं हम। और अगर ऐसा लग रहा कि नहीं अभी कुछ कमी है, कुछ कसर है ना, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से वादा किया था कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ये वादा चेलों से किया था, और वचन के द्वारा ये वादा हम तक पहुंचता है, लेकिन डायरेक्टली तो चेलों से किया था। लेकिन क्या यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के साथ रहा बाद में? नहीं ना, क्योंकि वो साथ छोड़ गया, तो वो साथ तब तक है जब तक हम उसके साथ हैं। तो क्या परमेश्वर हमारी तरफ है, हमारे साथ है? मेरे अजीज, पौलुस कह रहा है अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो हम क्या करें कि परमेश्वर हमारे साथ रहे? हम क्या करें कि परमेश्वर हमारी तरफ रहे, हमारी ओर रहे? और करने को तो हम जानते हैं क्या करना है, दुआ करें, प्रार्थना करें, धार्मिक बन के रहें, अच्छा जीवन जिए, पवित्र बन के रहें, नेक काम करें, है ना, वो ठीक है, लेकिन एक सिस्टम तो आना चाहिए ना, एक सिस्टम। ये बातें, ये तो कलेक्टिव चीजें हैं, हमने बहुत लोगों से सुनी, अब एक शख्स बता रहा है पौलुस, और सीधा, बिल्कुल सीधा तरीका बता रहा है, और फिर चैलेंज कर रहा है कि फिर देखो खुदा तुम्हारे साथ रहता है कि नहीं रहता है, करना क्या जी। आखिरी हवाला मैं पढ़ रहा हूं, और फिलिप्पियों की पत्री मैंने खोल लिए, और इसका 4 मैं निकाल रहा हूं, फिलिप्पियों 4:8-9 सुनिएगा हुजूर क्या लिखा है। इसलिए है भाइयों, हम इस बात पर सोच रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि क्या खुदा हमारे साथ है? अगर साथ है तो हम बहुत मुबारक हैं, वो तो साथ रहना चाहता है, हम नहीं रखते उसको साथ, हम नहीं रखते ना, वो साथ रहना चाहता है, वो कभी नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं। तो वो साथ रहे इसके लिए क्या करें, सुनिएगा फिलिप्पियों 4:8। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं,
और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाया करो। नवा पर सुनिए, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। तो पौलुस कह रहा, तुमने सुनी भी और देखी भी, जी सुनिए, मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा हमारे साथ रहेगा, साथ परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इतनी बातें अपनी जिंदगी में ले आए, खुदा हमारे साथ रहेगा। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? और जब कोई विरोधी नहीं होगा तो कोई भी दुश्मन हम पे जय जयकार नहीं कर सकता, कोई जय जयकार नहीं कर सकता। बस सिर्फ अपने आप को तैयार कर लें इन सद्गुणों को जीने के लिए जो अभी हमने पढ़े, फिलिपियों 4:8-9 पद में जो अच्छी अच्छी बातें लिस्ट की हैं पौलुस, ये हमारी जिंदगी में हो, ताकि मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर हमारे साथ रहे। अपने आप को तैयार कर लें, आइए दुआ करें। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं जिंदा और मुबारक कलाम के लिए जो मसीह जिंदगी में जीने के तौर तरीके हमें सिखाता है। प्यारे खुदा बाप, आज जो कुछ भी हमें सिखाया समझाया है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम ने, होने दे हम इसको जीना शुरू कर दें पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा बाप, ये वचन हमारी जिंदगियों में बेशुमार फल लाए। आसमानी बाप, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान कर। जितने प्रियजन मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं इन सब अजीजों के लिए दुआएं खैर करता हूं पिता, कि तेरी शफकत रहमत और बरकत का साया इन सब अजीजों पर हमेशा बरकरार रहे। हम सब मिलकर पूरे आलम के लिए दुआएं खैर मांगते हैं। खुदा बाप, अपनी जिंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने नजात देने वाले खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावन मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।